सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है काइनमास्टर के अंदर कैसे आप लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो पर दिखाई है, वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेना। तो यहां पर मेरे हिसाब से आप 9:16 चूज कीजिएगा और मैं यहां से 16:9 चूज करूंगा क्योंकि मैं आपको यहां पर एडिट करके दिखाऊंगा और 16:9 में प्रीव्यू अच्छा दिखता है, ठीक है। सो इसलिए मैं 16:9 ही चूज कर रहा हूं, लेकिन आप 9:16 चूज करना। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज के ऊपर क्लिक करके एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एड कर लेना है। सो इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद राइट साइड के कॉर्नर पर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। इसका टाइम ड्यूरेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका सॉन्ग का लिरिक्स है उसको आपको लिखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि आप अपने सॉन्ग के लिरिक्स का जो सबसे पहला वर्ड उसको लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MERI, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, एक वर्ड लिखने के बाद ओके में प्रेस करना है। ओके में प्रेस करने के बाद तो यहाँ पर आपको और एक काम करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा स्पेस कर लेना है, ठीक है। हर एक लेटर के बाद आपको यहाँ पर आपको स्पेस रखना है इस तरीके से। उसके बाद ओके में प्रेस करना है तो ये आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट आ चुका है। इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे एंड अभी हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो इसके लिए हमें ये जो एक ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ढेर सारा फॉन्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉन्ट का कैटेगरी मिलता है सेक्शन। यहाँ से आप अपना फॉन्ट, अपनी टेक्स्ट पर कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस फॉन्ट को अप्लाई करूँगा अपनी टेक्स्ट पर या इसको। सो देख लेते हैं सबसे पहले। ओके तो आई थिंक यहाँ हमारे टेक्स्ट की सबसे यह टेक्स्ट काफ़ी सही है। और यहाँ पर अगर आप अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन आपको ऑन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया और ये आप देख सकते हो काफ़ी सारा फ़ोन का कैटेगरीज आ चुका है। यहाँ से फ़ोन डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी आपका लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का आपको फॉन्ट मिल जाएगा, जैसे कन्नड़ा, बंगाली, इसके अलावा तेलुगु, उर्दू, मलयालम। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर सभी लैंग्वेज का फॉन्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप स्टाइलिस्ट फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड उन्हें अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया, यानी कि फॉन्ट ऐड किया। ओके सो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा ग्लो। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से आप वाइट कलर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसका ओपासिटी आप यहाँ से कम कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो कितना आप इसका अमाउंट रखना चाहते हो, लाइक मैं रखूँगा 20% तक, ठीक है। तो उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखें टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, फेड को आपको अप्लाई करना है। यहाँ से आ जाना है बैक, आउट एनिमेशन पर आपको आना है, फेड को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ से आप इसे एक बार प्ले करेंगे एंड प्ले करने के बाद इसका ड्यूरेशन आप इतना ही रखेंगे। उसके बाद इसको आप यहाँ पर कट कर लेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहला सॉन्ग का लिरिक्स इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो इसके लिए थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है और इसको आप थोड़ा आगे लेके आ जाएंगे, इस टेक्स्ट के आप आगे लेके आ जाएंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से एडिट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके सॉन्ग का सेकेंड वर्ड है उसको आप लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद एल ओके में प्रेस करना है तो ये आप देख सकते हो ये आ चुका है। उसके बाद इसको हम अगेन क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम दोबारा एडिट कर लेंगे यहाँ से। ओके इसको दोबारा हमें क्या करना है, डुप्लीकेट कर लेना है।
ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने सॉन्ग का लिरिक्स लिख लिया। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया था क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर लिया। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्रोसेस दिखाई, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमें सबसे पहले कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पर हम एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये वाला इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे, लाइक कि मैं दिखाए तो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्ट आ चुका है, इसको हम इस तरीके से रोटेट कर लेते और रोटेट करके इसको हम बड़ा करके पूरे स्क्रीन पर फिट कर लेते, लाइक इस तरीके से। सो ओके, तो ये आप देख सकते हो पूरे स्क्रीन पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर कट कर लेंगे, लाइक दिस। अभी क्या करना है, जिस सॉन्ग का आपने लिरिक्स लिखे हो उस सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है। इसके लिए ऑडियो पर आपको आना है। ऑडियो पर आने के बाद आप यहाँ से फोल्डर चूज़ करेंगे और फोल्डर चूज़ करने के बाद आप यहाँ से अपना फोल्डर अगेन चूज़ कर लेंगे। लाइक हमारे इस फोल्डर के अंदर म्यूजिक है तो मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ हमारा म्यूजिक कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा म्यूजिक, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देन हमें प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो म्यूजिक हमारा आ चुका है और म्यूजिक का एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर कट कर लेंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ से हम अपना लिरिक्स वीडियो को प्ले करेंगे और प्ले करके देखेंगे कि किस तरीके का लिरिक्स वीडियो हमने एडिटिंग किया। इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने लिरिक्स वीडियो एडिटिंग किया। आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त हमारा लिरिक्स वीडियो बन चुका है। तो काफ़ी आसानी से आप इस तरीके का लिरिक्स एडिटिंग कर सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया इस वीडियो के अंदर। अभी आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को सेव करना है। इसके लिए आपको जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप 1080p रेजोल्यूशन चूज़ करेंगे, फ्रेम रेट आप यहाँ से 30 चूज़ करेंगे, सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।